दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से लाइव मौजूद हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के जाने माने चिकित्सक हैं आप, डॉक्टर राणा। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये दिखाया कि दिल्ली के तबलीगी जमात के लोग किस तरह से यूपी के अलग अलग इलाकों में गए हैं, हमने ये भी दिखाया जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, हमने ये भी दिखाया जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ट्रैवल हिस्ट्री वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं और बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोनों खतरनाक हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। यदि मान लो उनको बीमारी है, उनको बीमारी है तो सब जगह बीमारी फैलाते रहेंगे। और सर जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस तेलंगाना की तस्वीरें हैं, थोड़ा और फोकस कीजिए। हाँ थोड़ा, हाँ ये तस्वीर है, देखिए आप इस जिहालत को देखें आप। ये कुछ मौलाना है जिन्हें क्वारंटीन किया गया था, तेलंगाना की ये तस्वीरें हैं, ये बहुत ही विश्वस्त तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मौलाना क्वारंटीन किए गए थे अस्पताल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग, नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं। तेलंगाना की ये तस्वीर है जहां पर धर्म भारी पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पर, जहां धर्म भारी पड़ रहा है डिस्टेंसिंग पर, जहां धर्म भारी पड़ रहा है कोरोना पर, जहां धर्म भारी पड़ रहा है जिंदगी पर। डॉक्टर बी एस राणा, ऐसे लोगों को लेकर के आप क्या कहेंगे जो क्वारंटीन में है लेकिन अस्पताल के अंदर ही एक दूसरे से बिल्कुल करीब में ही रह करके नमाज पढ़ रहे हैं? बिल्कुल गलत है, ये तो मेरे मुताबिक एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमन फीलिंग है। यू नो आई विल नॉट कॉल एंटी नेशनल, बट इट इज एंटी ह्यूमन। ठीक है डॉक्टर बी एस राणा, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आगे भी आपके साथ हम संपर्क साधेंगे और आपसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा, इस तस्वीर को दिखाने का एक ही मकसद था कि जिंदगी की अहमियत को आप समझें।